मामा को ऐसा आइडिया कहाँ से आया? अरे वो ना अपनी बुद्धि से काम आना करी करता है। सीरियसली है मामा का गजब। हाँ देख लेते हैं बच्चे तो बच्चों को कहाँ छोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा एडल्ट है। हम बच्चों को बोलेंगे अंदर रूम में खेलो, हम दोनों मूवी देख लेंगे या फिर देखनी मेरे को मूवीज़ के बहुत अच्छे ट्रेलर आए। हाँ मैं नानी के घर जाके आ रही हूँ, मैं नानी के घर जा रही हूँ नीचे क्योंकि जाली लगाई है। और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं वो गहराइयाँ है ना जो दीपिका पादुकोण की, वो अमेज़ॉन प्राइम पे मूवी आ गई और हमारा प्राइम का जो रिचार्ज है अमेज़ॉन का वो 2-3 दिन तक ही है फिर ख़त्म हो जाएगा। तो ये बोल रहे हैं मूवी देखनी है, मेरे को भी देखनी पर कैसे देखें, एडल्ट मूवी बोल रहे हैं बच्चों के सामने नहीं देख सकते। तो मतलब बच्चों को या तो अंदर कमरे में भेज देंगे या फिर हमको फ़ोन में देखनी पड़ेगी, बच्चों को दिखा नहीं सकते ना। चलो नानी के घर। ये GTPL इसी में मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, दिख रहा है आपको GTPL। ये बालकनी, ओ ये तो अलग ही तरह की जाली है। वाह नानी ये तो कितना बड़ा हो गया, कितनी स्पेस हो गई नानी यहाँ तो। हाँ कपड़े भी सुखा सकते हो, जगह कितनी हो गई यार। पर नानी बस ये ध्यान रखना कोई मतलब मजबूती है, ये टूटेगा तो नहीं ना। मेरे बच्चों का डर है। हाँ मेरे बच्चों का डर है राइट। निकाल लेंगे। पर यहाँ ऐसे कोई खड़ा रह सकता है इस पे, टूटेगा तो नहीं। अरे यार फिर भी डर लगता है सही में। पर देखो कितनी स्पेस हो गई यार, इतनी बड़ी बालकनी हो गई। ये निकाल दिया ना यहाँ से, अब ये जाली का क्या करेंगे मामा जो। देखो पहले ये बालकनी इतनी ही थी, ये दिख रहा है आपको इतनी छोटी सी थी, अब ये कितनी बड़ी बालकनी हो गई। माय गॉड कितना बड़ा एरिया हो गया नानी। मैंने बोला कूलर रखेंगे तो बोले मैं खड़ा हो जाता हूं, तो कूलर कहां ज्यादा मजा। हाँ वो भैया मेरे को बोल रहे हो नीचे खड़े, मेरे को बोल रहे हैं कि आप खड़े रह सकते हो कुछ नहीं हो सकता। हाँ वो भैया बोल रहे हैं नीचे खड़े ना। ये नानी ओ ये ऊपर से सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, ऊपर से ओपन रहेगा ये, ऊपर से ओपन रहेगा कि पैक होगा ऐसा ही है भैया। शेड लगेगा, शेड लगेगा, शेड लगेगा। वाह नानी कितना मस्त हो गया यार, कितना खुला है। वाह इतनी मतलब देखो घर इतना ही छोटा है लेकिन इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, इतना यहाँ इतना यहाँ। यार ये मामा को ऐसा आइडिया कहाँ से आया है नानी? मामा को ऐसा आइडिया कहाँ से आया? सीरियसली है मामा का गजब। मतलब गमले में आ जाने के बाद इतनी कितना बड़ा लग रहा है, मतलब ऐसे एकदम ऐसा लग रहा है पता नहीं घर बड़ा हो गया। खुली खुली इतने गैप है ना कि इसमें वो क्या बोलते हैं हवा भी नहीं रुकेगी और ऐसे जो पिंजरे जैसा लगता है ना वो भी नहीं लगेगा। ये तुलसी लग गई नानी अपने जो लगाई थी, लग गई ना तुलसी। ये मेरा गमला था लेकिन मेरे घर में तुलसी रहती नहीं थी, फिर नानी को दे दिया गमला। हाँ मस्त धूप भी आएगी और कितना मजा, मस्त लग रहा है, सुंदर लग रहा है घर। यहाँ भी लग गई, यहाँ भी हाँ, यहाँ नहीं आते थे गमले तो यहाँ रख सकते हैं। वाह मस्त काम हो गया। चलो मामा ने एक आइडिया दे दिया, कभी हम लोग को भी ऐसे लगवाना हो किसी को भी हमारे से एक पूरा जाना लेट सकता है, इतना जगह हो गई। अब ये पुरानी जो जाली निकाल दी इसका क्या करेंगे ना मामा? वो पुरानी जगह अच्छी जगह निकाल दे और हाँ अब ये क्या करेंगे, बिकेगी कि नहीं? वो देखो वो जाली दिख रही है आपको,
ये वाइट और ब्लैक वाली निकाल दी, यही यहाँ लगी थी। और जाली का क्या करेंगे मामा? अच्छा भैया, ये नानी ये वो बनाते हैं वो गमले का, ऐसा नहीं आता नीचे स्टैंड आता है लोहे का, उसके ऊपर गमले रख दो। हाँ अंधेरा नहीं रहेगा देखो, नहीं तो हमारे तो जो घर में कितनी बारीक जाली लगी हुई वो भी काले कलर की, अंधेरा रहता है। ये एक तो कलर भी सफ़ेद है, वाइट है और खुली खुली है, मतलब हवा उजास कुछ रुकेगा नहीं। कूंडे भी बहुत सारे आ जाएंगे। अरे हवा उजास, हाँ कुछ से कूंडे उसके 50-60 है ना, अच्छे अच्छे है ना। हाँ वो इसलिए गमले का इंतजाम कर रहे मामा। ये अस्सी जाले उधर भी लगी है ना। जी ये उधर पढ़ाई कर रही है स्टडी टेबल पे अपने, ये देखो। और ये जिया ने पजामा मेरा पहना है। जिया आपके कपड़ों की कमी है घर में? तो इतने गंदे गंदे डार्क कलर के कपड़े दिलाए मम्मी ने मेरे को। लो ये भी कोई सेंस बनता है? ये फोन से पढ़ाई कर रही है, टेस्ट पेपर, टेस्ट पेपर दे रहे हो? ओके वो देखो बालकनी में। ये झूला गोटू श्लोक का है, किसी को देना है, डोनेट करना है। और दिखाऊं मैं, मेरे घर में धूप सिर्फ और सिर्फ बेडरूम में इतनी सी आती है, देख लो, दिख रहा है ऊपर शेड पे, वो मेरे पेड़ पौधे दिखाती हूँ आपको। ये देखिए वो मेरे मैरिज के रिसेप्शन की फोटो है, शादी की अलग है। शादी में तो मैंने कुर्ती काच ली, राजपूती जो पोशाक बोलते हैं। ये बज रहे हैं 2:45, वो देख लीजिए। बॉटल ले लो, सो गाइज आलू मटर की सब्जी के साथ मैं बनाने जा रही हूँ पूड़ी। यहाँ पे मैंने कुछ पूड़ियाँ बेल ली है, अब मैं इसको सेकने जा रही हूँ। डोंट टच, गरम है बेटा। यस हटो हटो श्लोक बेटा, इट्स हॉट ना, गरम है बेटा।
ये अभी मैं एक हाथ से मतलब कैमरा पकड़ा है ना, इसलिए मैं इसको यहाँ रखती हूँ, अदरवाइज मैं एक एक सीखती जाती हूँ और साथ में बेलती भी जाती हूँ। पर अभी आप लोगों को गाइस दिखाना है मुझे, तो इसलिए एक हाथ में कैमरा है, तो थोड़ी मैंने बेल के रख दी थी ताकि मैं आपको सीखते हुए इसे दिखाऊँ। सो इस तरह मेहनत लगती है यूट्यूबरों की। ये देखें, इस पे रखने में कोई इशू नहीं, पर डर लगता है कभी झटका अगर मतलब नीचे गिर गया तो तेल उछल जाएगा तो मैं जल सकती हूँ, इस वजह से ये पूरी टेढ़ी हो गई, टेढ़ी मेढ़ी। अब देखो अभी ये रखने में मुझे दिक्कत आएगी, इसलिए इसको नीचे रखना पड़ रहा है क्योंकि एक हाथ तो मेरा एंगेज है कैमरा पकड़ने में। ये पूड़ी को है ना हल्का हल्का सा ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे नहीं जैसे मारते हैं पूड़ी को, हल्का सा मतलब मारना नहीं बोलते, टच करना है, हल्का हल्का सा दबाना है, प्रेस करना है, ताकि क्या होता है हमारी पूड़ी फूले। और हल्का सा इसको नीचे भी थोड़ा थोड़ा सा दबाना है ताकि नीचे का बेज है वो सिकना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ पूड़ी हमारी कच्ची रहती है। चलो इतनी मैंने वीडियोज़ दिखा दी, अभी मुझे और पूड़ियाँ सीखनी है, इसलिए मैं बाद में मिलती हूँ। गोटू को जिया को बुला के लाऊं? गोटू पढ़ाई कर रही है। ओके ये गोटू को फ्रॉक छोटी हो गई है, फिर भी इसको ये बहुत पसंद है, इसलिए ये पहनती है, ये गोटू की फेवरेट है ना, आपको अच्छी लगती है। क्या हुआ आपको, क्या दुख है? दुनिया में इतने सारे दुख हैं, इनको पता नहीं, छोटे मोटे क्या पानी चाहिए। लो इसमें अचार है हमारा हैदराबादी अचार, जो कि ख़त्म हो गया, एग्जीबिशन से लाना है। तो आज का लंच में है आलू मटर की सब्जी, पूड़ी एंड ये कटोरी निकाल के रखी है मैंने खीर के लिए। सुनो लो, सुनो लो खाना, सब ठीक है, खा लिया खाना नीचे जाके तुमने हैं? लो खाना। सुनो खाना ले लो। Still on the opposite side.